यूपी में कोई रेल में कोई इंसिडेंट हुआ था क्या? यस, किसको बताया था मैंने? पता नहीं क्या हुआ था। अरे बताता हूँ, मैं यूनिट से आ रहा था, मैं छुट्टी में नहीं था। देहरादून मुझे टीडी भेजा गया था। कुछ स्पेशल इक्विपमेंट थे मेरे पास, जैसे नाइट विजन वगैरह हो गए, कुछ बैग वगैरह हो गए, कुछ रिपेयर के लिए, कुछ सामान के लिए मुझे देहरादून भेजा गया था। अब क्या हुआ, देहरादून में एक, जब हम साथ में आ रहे थे ट्रेन में, ये बनारस और कुछ यूपी उसके बीच में हुआ था सर इंसिडेंट, ये लखनऊ के बीच में। अब मैं आ रहा था, मेरे साथ एक था असम राइफल का, वो भी देहरादून का ही था। उसके साथ बैठे हम, अच्छी दोस्ती बन गई। वो पीने खाने वाला था और मैं पीने खाने वाला, लेकिन तो मतलब दोनों में एक अलग डिफरेंट था, पर ये है कि दोस्ती बन गया। मिल गए तो बोला देहरादून के, हाँ चलो भाई ठीक है। उसने क्या किया सर, दो तीन लड़के आए, चार पांच लड़के, जब कॉलेज से छुट्टी होते थे ट्रेन में बैठ जाते हैं लोग ऐसे बिना टिकट के ना, आ गए वो स्लीपर वाले में बैठ गए और हल्ला करने लग गए। काफी हल्ला हो गया अंदर ना। वो तो जो देहरादून का जो आसाम राइफल का एक सोल्जर था, उसने उनके साथ क्या करा, थोड़ा सा बदतमीजी से बात करी, या उन्होंने बोला होगा भाई तो हल्ला मत कर, उसको बोल दिया उन्होंने ना, तो वो गुस्सा हो गया, ये है करके हाथापाई पे, मतलब सिचुएशन काफी बिगड़ गई। मतलब बिगड़ने, मैं उनको रोकने के लिए गया, उसने मेरे एक जड़ दिया कान में, सीधा जबड़े में मार दिया लड़के ने, साले तू कौन है ना सर। अब मैंने कहा यार बड़ा अच्छा आदमी यार, तू मुझे मार रहा है। ये एक दो और आ गए सर, अच्छा तू हीरो बन रहा है बीच में आके, है तू क्यों बोल रहा है, इसके साथ लड़ाई हो रही तू। अरे भाई फौजी आदमी है, ऐसा क्यों कर रहे हो, वो सोल्जर है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं तो शांत था। अब सर होते होते 6-7 लड़के आ गए। अब क्या होना था, इतना होने के बाद कौन चुप रहता है। पकड़ा सबका, सब पूरा ट्रेन के अंदर नचाया, 6-7 को एक साथ, साथ पूरा अंदर, सारे भाग गए। सारे 6-7 के 10 बंदे होंगे, वो अकेले ने नचाया। वो दारू भी, वो तो दूसरा दोस्त था, वो तो चुपचाप बैठ गए, संभाल रहा चलो ठीक है। पूरा नचाया ट्रेन के अंदर डिब्बे में। उसके बाद अगले स्टेशन में ट्रेन स्टॉप, पूरे लड़के आए साहब, 100-200 लड़के, 200 लड़के आए, जो उन्होंने धुलाई करी मेरी, है ना। ट्रेन के अंदर कोई गन्ना लेके आ रखा, कोई डंडा लेके आ रखा, कोई कुछ लेके आ रखा है। उसके अंदर जो जो बंदा था देहरादून वाला, पता नहीं कहाँ गया गया। मेरे जो डिब्बा था आगे स्लीपर दो और पीछे दो स्लीपर के, सारे आदमी गायब थे। इतना भयंकर वो हुआ वहां पर। मैं वहां पर बैठा था, मैंने कहा भाई अब क्या करना है। मैं ऊपर बैठा हुआ था, यही है आया वो जिसको मैंने मारा था, दो तीन को बोला आये ये है, ये पकड़ो इसको। उसके बाद सब लोग खाली हो गए, अंदर खाली हो गए। उन्होंने आए, मैं उनको नीचे उतारा, मैं सीट में ऐसे बैठा और बातें कर रहे थे। क्या हुआ, मैंने कहा भाई ये ट्रेन में बदतमीजी कर रहा था, मैंने समझाया, उन्होंने मेरे मार दिया, हाथ उठा दिया। फिर क्या था, वो दो तीन लड़के थे, उन्होंने बड़ा बड़ मारना शुरू कर दिया, और बात ही चल रही थी उन्होंने मारना शुरू कर दिया। चार पांच ने और मारा दबा के, यहाँ कपड़े फाड़ दिए, ये गन्ने से मार के पूरे, ये मेरे जो यहाँ मेरे हाथों पे पूरा निशान। के बाद अब लड़ाई तो मैं भी करता था, चाहे 200 हो 400 हो, पर जो मेरे पास जो कंट्रोल आइटम, मेरे को कुछ जिम्मेवारी दी गई थी, उसकी वजह से मैं चुप हो गया था। मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा भाई मैं फौजी आदमी हूँ, अभी ड्यूटी में हूँ, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, ठीक है। बोला इसका सामान कहाँ है, निकालो फेंको गाड़ी से। मैंने भाई कुछ सामान नहीं है। फौज में क्या होता है, एक डिब्बा होता है, आलमारी होती है, उसके अंदर पूरा पैक किया होता है। मैंने ताला लगा के, जो स्लीपर वाला होता है उसको पैसे दे के, मैंने बोले लेके इसका सामान निकालो, इसको बाहर फेंको, मारो, पता नहीं क्या क्या बोले थे। एक कोई नेता टाइप में आया बीच में, उसने बोला अच्छा आप फौजी हो, ये हो, अच्छा प्यारा वाले हो। बोला हाँ भाई मैं हूँ, गलती इनकी थी, मेरी गलती नहीं थी, इन्होंने हाथ मारने के बाद ही मैंने वो किया। उसने बोला ठीक है, अच्छा ये है क्या। बोला मैंने कहा ये क्या, बोला एक दो बोतल दे दो, मैं इनको संभाल लूंगा। उन्होंने उन लोगों को समझाया, तो उसने बोला अगली बार कभी आते हो तो हाँ इस रास्ते से पक्का यार मिलना, हम तो दिल्ली का आना जाना। मैं उस दिन था और आज का दिन है, उस रास्ते से कभी नहीं आया मैं, बनारस और लखनऊ की वाली ट्रेन में कभी नहीं आया मैं, दिल्ली से होके आता था। तो वो था मेरा जिंदगी का अकेला, जब किसी दूसरे के चक्कर में मैं फंसा था, है ना। एक वो हुआ है, एक अभी मेरे साथ यहाँ पे हुआ है, जो देहरादून में हुआ है, किसी आपस में झगड़ा हो रहा था, तो वहां पर मैं बोल गया तो पुलिस वालों ने नाम लिख दिया, वो वहां जाके चालान काट दिया शांति भंग का। अभी उसके लिए चक्कर काट रहा हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं ऐसे भी होता है। तो जिंदगी में जब हम काम करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, सीख भी मिलती है, और बहुत बड़ा एक लाइफ टाइम में बॉन्ड हो जाता है, ये नहीं करना है। तो देखा है मैंने कि भाई ज्यादा दूसरे के ऊपर खड़ा भी नहीं होना है कहीं पर, हाँ जहाँ जरूरत हो वहां खड़ा होना चाहिए, पर संभल के सर। ये बहुत बड़ी वो था कि मैं किसी के चक्कर में लड़ गया था वहां पर। वो बंदा तो दिखाई नहीं जिसके लिए मैं पीछे खड़ा हुआ था बीच में, क्या तो बात है, दिखाई क्या नहीं बात आज ये। और है, क्या बात है, क्या बात खाया मैं जब घर में आया, है। मेरे हाँ जो
कपड़े तो मैंने चेंज कर दिए थे, फेंक दिए थे जो फटे हुए थे पूरे, और पैंट वगैरह टी शर्ट वगैरह सब फट गया था। जब बाद में देखा फैमिली ने, जब कपड़े उतारे जब नहाने के लिए गया तो फैमिली ने देखा ये क्या है तुम्हारे शरीर पे निशान, ये मोटे मोटे दाम पड़ रखे थे वो गन्ने से मारे ना सर उन्होंने डंडे, तो कुछ नहीं हुआ था ऐसा मालिश टाइप में लगा मुझे उसे मारा, मेरे को कोई वो नहीं हुआ, मेरे को दुख डर इस बात का लग रहा था कि यूनिट का सामान है कहीं कुछ ना हो जाए बदनाम हो जाएगा नहीं। बेकार, बस ये था।